एक बेरिंग है जिसका नंबर हमने लिखा था 6208, बोर साइज कितना है 40.000, बोर साइज 40.000। अगर आपने नया बेरिंग पैकेट से निकाला है और मेजर किया उसका साइज, तो साइज क्या होगा? एक लिमिट मैंने लिख दी, दूसरी क्या होगी जो जो दो लिमिट के दरमियान साइज होना चाहिए? इन टॉलरेंस क्या होनी चाहिए? डायमेंशनल 39.9 अब कितना इसमें कितने टॉलरेंस कितनी है? यहाँ आ गई 0.0, यहाँ आ गई -12 माइक्रोन, ऐसा है। तो आप जब फैक्ट्री में बेरिंग माउंट करने लगते हैं तो क्या आप बेरिंग को खोल के माउंट करने से पहले, राइट बिफोर माउंटिंग प्रोसीजर, मेजर करते हैं कि उसकी साइज डायमेंशनल टॉलरेंस कितनी है? ये एक आध बार तो मैंने किया था इसलिए आपको ये, तो बाकी क्यों नहीं करते? पहले हमारे जहन में ये था कि ये 41 होना चाहिए, जहन में पहले हमारे ये आता था सर कि ये ज्यादा होना चाहिए ताकि टाइम जो इसलिए करते हैं ये हमारे पास जो करते हैं ये हमारे हम तो देते हैं सेंचुरी में सर जो उसकी वजह ये है कि आप कहते हैं कि इसका क्या करना है, ये तो सही बनाया होगा कंपनी ने, हम तो शाफ्ट के जिम्मेदार हैं तो शाफ्ट सही कर लेते हैं। तो आप शाफ्ट जब इसकी बनाएंगे तो उसका साइज होगा 40.002 and 40.013 millimeter, दैट मीन्स +2 + 13 micron, ऐसा है। तो आपने ये चेक कर लिया, अब आपकी शाफ्ट है मिसाल के तौर पे 007 7 माइक्रोन प्लस में, तो ये आपको पता, ये आपको नहीं पता, तो इंटरफेरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? पकड़ कितनी आई कैसे मेजर करेंगे अगर ये साइज ही नहीं पता, अगर ये रेंज में है ही नहीं? क्वालिटी, हम क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? बेरिंग पकड़ के घुमा के, आवाज सुन के, हिला के, शक्ल देख के, ओहो स्क्रैचेस हैं, मार्क्स हैं, ब्लैकिश है, हाँ प्ले अच्छी है, ये रुक रहा है, फंस रहा है, ये ग्रीस पता नहीं किसकी आवाज है, कि वो क्वालिटी का कोई पैरामीटर नहीं है। पहला क्वालिटी का पैरामीटर ये है, अगर आप ये चेक नहीं करते आप मिस कर रहे हैं। और याद रखें बेरिंग जब स्टोर में आया तब नहीं करना, खोलेंगे पॉलिथीन बैग, एयर कांटेक्ट हो जाएगा, मॉइस्चर आएगा, बेरिंग आपका ख़राब हो जाएगा। राइट बिफोर माउंटिंग आपने इसको चेक करना है, ये वेरीफाई करना है कि टर्नर ने सही बना के दिया है। और फिर आपने देखा, लेट सपोज बेरिंग वाले बनाने वाली कंपनी ने इसको रखा -6, कितना होगा 994, ठीक है, और -6 आपने बना दिया +7, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ, ये जीरो की लाइन है, ऊपर जाए प्लस है, नीचे माइनस है। आपने +7 का बना दिया शाफ्ट, हमने बेरिंग आपको दिया -6 का, ये डिस्टेंस कितना हुआ 0.013 मिलीमीटर के, ये इंटरफेरेंस आ गई है पकड़ शाफ्ट पे। अगर आपने बेरिंग खरीदा -12 का, आपने शाफ्ट बना दी +13 की, अब इंटरफेरेंस कितनी आई 12 और 13 25 माइक्रोन की पकड़ आई। अगर आपने बेरिंग खरीदा 0 का, ये 0, और आपने शाफ्ट बना दी +2 की, 0 पे +2, अब पकड़ कितनी आई 2 माइक्रोन। इसका मतलब 2 माइक्रोन से लेके 0.002 से 0.025 मिलीमीटर की इंटरफेरेंस आपकी इसमें आ सकती है, ऐसा है। स्टैंडर्ड क्या है? ये बेरिंग, ये शाफ्ट में मिनिमम मैक्सिमम जो इंटरफेरेंस आ सकती है वो ये आ सकती है, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा। इस बेरिंग के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए, ठीक है कि नहीं समझ आई? मसलन आपने बेरिंग खरीदा ये आरकेबी से,
उन्होंने बेरिंग बना के दिया, उसमें या तो वो जीरो होगा या माइनस 12 के दरमियान होगा। ये स्टैंडर्ड है ना, ये आईएसओ का स्टैंडर्ड है। अच्छा। और आईएसओ ने स्टैंडर्ड में लिखा कि जब आप इसमें शाफ्ट बनाएंगे तो यहाँ प्लस 2 में होगी या प्लस 13 में होगी या इसके दरमियान होगी। अगर आपकी शाफ्ट है प्लस 12, वेरी गुड, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते बेरिंग वाले। अगर हमारा बेरिंग है माइनस 11, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड है। अगर प्लस माइनस 13 हो गया हमारा बेरिंग, आप रिजेक्ट करो, मत यूज करो। क्यों यूज नहीं करना ये भी क्लैरिफाई हो जाएगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, ये स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हैं। अगर दोनों ने स्टैंडर्ड फॉलो किया तो 2 माइक्रोन से 25 माइक्रोन के दरमियान इंटरफेरेंस आएगी कहीं जहां डायमेंशन होंगी। ठीक है, अब हम भी कोशिश करेंगे दरमियान में रहने की, आप भी कोशिश करें दरमियान में रहने की, तो इंटरफेरेंस 13 माइक्रोन आएगी, यानी 2 से 25 तक होनी चाहिए। हाँ, और सीमेंस की नई मोटर खोलें, नॉर्मल टेम्परेचर है 20-18 टेम्परेचर है रूम में, आपने ओपन किया, आप उसको बेरिंग को उतारने की कोशिश करें, हल्की सी एफर्ट से बाहर आ जाएगा। अगर उन्होंने ये रखा होगा और बेरिंग ये होगा 2 माइक्रोन की इंटरफेरेंस, विच इज़ नथिंग, 2 माइक्रोन हम बात कर रहे हैं, और आम आदमी के सर का बाल 60 माइक्रोन का होता है। सो क्यों कि जब मोटर अच्छे ब्रांड्स बनाते हैं तो वो इस तरफ रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसकी एप्लीकेशन का यूजेज क्या है। 2 माइक्रोन मीन्स कि वो उसकी ठंडी हालत में नॉर्मल है, जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा मोटर चलेगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ये 2 माइक्रोन की जो इंटरफेरेंस है ये बढ़ के 5-6-7-8 हो जाएगी। तो आपको पकड़ कहाँ चाहिए, ठंडी रुकी हुई मोटर में, चलती गर्म मोटर में? तो उसको जहन में रखते हुए ये इतनी मिनिमम वैल्यू से शुरू किया है। अब अगर आप कहते हैं कि फ्रीक्वेंट ऑन एंड ऑफ है, जर्क लोड है, थ्रस्ट है, वर्टिकल है, जितनी चीज़ें मुश्किलात ऐड करते जाएंगे उतना आप इधर इंटरफेरेंस पे चलते जाएं, जितना नॉर्मल मोटर ऑपरेशन है उतना आप इस तरफ को रहेंगे। लेकिन रहना 25 के अंदर ही है। हाँ, रहना 2 से 25 के अंदर है। और ये आईएसओ का कौन सा स्टैंडर्ड है? ये बताता हूँ, इसकी मैं पिक्चर दिखाता हूँ स्टैंडर्ड की, वो भी, लेकिन स्टैंडर्ड ये है, इस स्टैंडर्ड और इस स्टैंडर्ड के बदले में ये आ रहा है। उन्होंने आपको कहा कि आप शाफ्ट इसके दरमियान बनाएंगे, हमें कहा कि हम बेरिंग इसमें बनाएंगे, ये स्टैंडर्ड है। जब हम बेरिंग इसमें बनाएं और आप इसमें शाफ्ट बनाएं तो रिजल्टेंटली यही निकलेगा। और आपका बेरिंग चेक करना क्यों ज़रूरी है? चेक करो ताकि आप ये कैलकुलेट कर सको। और जब ये बेरिंग टूट जाए और मैं आपकी फैक्ट्री में आऊं कि जी मैं आपको फेलियर एनालिसिस करके दूंगा, मैं आपसे पूछूं कि बेरिंग का साइज़ क्या था, आप बोलो ये लिखा हुआ है, शाफ्ट का साइज़ क्या था, बोलो ये लिखा हुआ है, इंटरफेरेंस कितना था, बोलो ये बनता है, कन्फ्यूजन ख़त्म। मैं कहूँगा हाँ ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपने गलती नहीं की। अब और एस्पेक्ट्स देखते हैं, लुब्रिकेशन, माउंटिंग, बेरिंग का क्वालिटी, हमारी हर चीज़, हम बाकी चीज़ों पे फोकस करते हैं, इसको छोड़ दो, ये ठीक है। आपने टर्नर को कहा कि 7 माइक्रोन की शाफ्ट बना दो, ये 0 प्लस माइनस, उसने कहा नहीं जी 2 से 13 की रेंज है, यहाँ पे है 2, ये 3-4-5-12, 2-3-4-5-12, उसने कहा ले मैंने शाफ्ट बना दी, इसमें से कोई भी एरिया 13 से ऊपर नहीं, 2 से नीचे नहीं, तो आपको एक्सेप्टेबल है? उसमें ये होगा कि सिलेंड्रिसिटी नहीं है, वो हवा आएगी तो यहाँ टच नहीं करेगा बेरिंग शाफ्ट के, यहाँ टच करेगा, इसका मतलब उसको कहना है कि 7 का मतलब है थ्रू आउट 7 चाहिए जी। अगर 6 बनाइए तो थ्रू आउट 6 चाहिए, 5 बनाइए तो थ्रू आउट 5 चाहिए, एक फिगर पकड़ लो इसमें से, वो चाहिए हमें, और वो टूल से नहीं आ रही तो ग्राइंडिंग से करके अचीव करें अच्छे तरीके से। तो वो सरफेस जब अचीव होगी तो शाफ्ट और इसका इंटरफेरेंस अच्छा बनेगा, तब जाके अच्छी लाइफ मिलेगी। इसका मेजरिंग टूल कौन सा है? माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर में इंपॉर्टेंट चीज देखें, माइक्रोमीटर वो होगा जिसका 0.001 लीस्ट काउंट होगा। अगर आप 10 वाला यूज करते हैं ना, जैसे उसका आता है 0.010, ये लीस्ट काउंट वाला, वो ये मेजर नहीं कर सकेगा 10 से नीचे वाले वैल्यू, ज़्यादातर फैक्ट्रियों में ये यूज़ होता है।
आप ये ले लें उनके पास, और मोटर वर्कशॉप में ये होना चाहिए, टर्नर के पास भी ये होना चाहिए। मैंने बहुत कम जगहों पे देखा है पूरे पाकिस्तान। सो ये जो है आप होगा, और ये वैल्यूज आप आईएसओ के स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे और ये आपके रिजल्टेंट इंटरफेरेंस बनेगी। और अगर बेयरिंग आपका था C3, इम्पॉर्टेंट चीज़, C3 में क्या था, 15 से 33 के दरमियान इसकी इंटरनल क्लियरेंस होती है, स्टैंडर्ड है। तो हमने अगर 25 इसको कर दिया, इंटरफेरेंस क्रिएट कर दी, और आपने हाईएस्ट इंटरनल क्लियरेंस अगर ली बेरिंग की 33, तो उसमें से 25 निकालें तो कितना आया, 8 माइक्रोन आफ्टर माउंटिंग इंटरनल क्लियरेंस रह गई। जब ये हाउसिंग में माउंट होगा तो फर्दर रिड्यूस होगी, तो फिर ये लेट सपोज 2 माइक्रोन रह गई। अब लुब्रिकेंट की फिल्म बननी है 2 माइक्रोन के अंदर, थर्मल एक्सपेंशन होगी तो वो भी कम होके कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी असर आएगा। इसलिए ये सारी कैलकुलेशन ज़रूरी है जानना, कि अगर आपने इसको नॉर्मल क्लियरेंस वाला बेरिंग लगा दिया, वो 15 की और 33 की बजाय वो होगा लेट सपोज 12 से 25 माइक्रोन, तो 25 में से 25 तो निकाल दिया तो फंस गया बेरिंग, इंटरफेरेंस ने इंटरनल क्लियरेंस रिड्यूस कर दी, जीरो कर दी। ये जो आप कह रहे हैं लुब्रिकेंट, ये तो 1 मैक्सिमम 1 माइक्रोन ही होगी, वो बहुत कम है 0.2 से 1 माइक्रोन, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो 2 माइक्रोन भी अगर चली जाती है तो इंटरनल क्लियरेंस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। तो आप कभी भी नॉर्मल बेरिंग क्यों नहीं मोटर में लगाते, नॉर्मल क्लियरेंस वाला कभी भी C2 क्यों नहीं लगाते, वो उसी वक्त फेल हो जाएगा। हमने एक सवाल पूछा था टेस्ट में, इन डाउट, इफ इन डाउट व्हाट इंटरनल क्लियरेंस यू विल यूज, नॉर्मल और C3, तो आपने लिखा C3, इसलिए C3 कि उसमें सडन फेलियर नहीं होगा। अगर नॉर्मल लगना था, गलती से C3 लगा दिया, तो क्या होगा, मैक्सिमम नॉइज वाइब्रेशन, सडन फेलियर नहीं होगा। नॉर्मल की जगह C2 लगाएंगे, सडन फेलियर हो जाएगा, एक दो दिन में हीटअप होके फॉरन टेम्परेचर राइज करेगा और वो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। सो ये सारा क्लियर है, या कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे? इसमें ये है कि चले ये जो शाफ्ट ऊपर हो गया ना, हाँ, अब अगर फर्ज करें हमारी हाउसिंग लूज हो गई, हाँ, और हाउसिंग जो है उसमें फिर हम उसको जो मशीन शॉप वाली वुमन हमसे पूछते हैं कि इनका क्लियरेंस क्या रखें, वो अभी इसके बाद आता है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछें।